लगता है यार ये गाड़ी, मतलब भाई 110 सीसी में जो भी गाड़ी है ना सबको बीट कर देगी ये गाड़ी इसके लुक्स के वजह से। हेलो भाई, जय जगन्नाथ, मैं हूं जोन सगर। तो हाँ भाई, आज हमारे साथ जुड़िए ऑल न्यू 2023 हीरो की जूम एक्सटेक 110। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में एकदम डिटेल में, मतलब इस गाड़ी में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह मिलता है, क्या ये गाड़ी आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, कौन सी पॉइंट में ये गाड़ी इसके सेगमेंट से बेहतर है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो वीडियो को एकदम आखिर तक देख लो, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। सो अभी हमारे साथ जुड़िए भाई हीरो की जूम एक्सटेक ZX मॉडल। जैसे कि मारुति की गाड़ियों में होता ना LXi, VXi, ZXi तीनों वेरिएंट होते, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हीरो लेके आया है 3 वेरिएंट इस गाड़ी के साथ, जो कि है LX, VX एंड ZX। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़िए ZX मॉडल। तो यहाँ पर मैं आपको ZX मॉडल के सारे फीचर्स वगैरह दिखाऊंगा जो कि इसका टॉप मॉडल है। सो अगर बात करें इसके फ्रंट पैनल के बारे में, भाई फ्रंट पैनल के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर अभी मैं बताऊं इसके लुक्स के बारे में, भाई क्या लगता है यार ये गाड़ी, मतलब भाई 110 सीसी में जो भी गाड़ी है ना सबको बीट कर देगी ये गाड़ी इसके लुक्स के वजह से। चाहे तो आप सबकी पसंद एक्टिवा ले लो, या फिर उसके बाद जुपिटर ले लो, या फिर हीरो की माइस्ट्रो ले लो, या फिर प्लेजर ले लो, और फिर होंडा की तरफ से और एक आता है जो कि इसी सेगमेंट से बिलोंग्स करता है, जो कि है होंडा डियो। लेकिन उससे भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक इस गाड़ी का आता है यार। पहले तो इस गाड़ी में जो कट्स वगैरह दिया गया है ना भाई, बहुत ही शानदार लुक इसका प्रेजेंट करता है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक इस गाड़ी का प्रोवाइड करता है ये जो कट्स वगैरह हो गया। मतलब हीरो ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा R&D वगैरह खर्च किया है गाड़ी को एकदम स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करने में। और अगर बताओ इस कलर के बारे में, मतलब मेरे सामने जो कलर है ना, ये जो ब्लैक कलर, भाई इस गाड़ी का लुक्स एकदम एनहांस कर देता है यार। पहले तो अगर बताओ ब्लैक कलर आता था एक्टिवा की 3G मॉडल वगैरह में, लेकिन उसके बाद 4G या फिर 5G वगैरह से वो मैट ब्लैक होके आ गया, लेकिन उसका कलर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ना बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है यार इस गाड़ी को। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर, उसके साथ ये जो थोड़ा सा गोल्डन या फिर सिल्वर कह लो, यहाँ पर ये जो फिनिश वगैरह दिया है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है इसके ये लुक। और इस ब्लैक कलर के साथ इसका जो कॉर्ड्स वगैरह, और इस ब्लैक कलर के साथ इसका जो लुक्स भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगता है। थोड़ा यार लुक्स के बारे में बहुत कुछ बता ले, पहले इसके फ्रंट पैनल में बताऊँ। सो ये देख सकते हो इसके फ्रंट पैनल कुछ इस तरह से दिखता है। पहले तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर मिल जाता है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पर इसका लुक्स वगैरह यहाँ पर इसको कवर करके दिया गया है, और ये थोड़ा सा रब ब्लैक फिनिश में है। और उसके नीचे ही अगर देखोगे तो फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई ये इसका बल्ब वाला इंडिकेटर, जो कि इस तरह से जलता है, और यहाँ पर भी ये बल्ब वाला इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पर इसका मिरर देखोगे ना, इसका फिनिश जो भी इसमें जो टेक्सचर वगैरह दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे माइस्ट्रो में भी मिल जाते हैं, जो कि हीरो की माइस्ट्रो इज 125 में मिल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मिरर दिया गया है। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आए तो फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रे वाला फिनिश में ये वाला पैनल दिया गया है, और ये इस तरह से ब्लैक वाला पैनल भी दिया गया है। और यहाँ पर इसको हीरो की बैजिंग, उसके साथ ये इसका नंबर, और यहाँ पर ये नंबर प्लेट का स्टैंड, और उसके नीचे यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका DRL। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये जो DRL में आपको एक लेटर दिखा है, जो कि भाई H, मतलब ये हीरो को ही डिनोट करता है। और थोड़ा सा अगर ऊपर देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि भाई पहले तो आया था इसके माइस्ट्रो में, उसके बाद फिर हीरो यहाँ पर इसके जूम में भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा फेक भेंट्स वगैरह दिया जाता है, जो कि इसका लुक्स थोड़ा सा एनहेंस करता है। और अगर अभी नीचे की तरफ आए तो फिर यहाँ पर भी आपको मिल जाता है जूम का स्टिकरिंग, और ये थोड़ा सा, और ये मडगार्ड आपको मेटल में थोड़ा सा, ये वाला जो पैनल है यहाँ पर ही बस मेटल मिलता है, और ये सब तो फाइबर वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और ये इस तरह से रिफ्लेक्टर। और टायर सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई ये क्या हीरो ग्रिप कंपनी, पता नहीं ये कौन सा कंपनी, हीरो यहाँ पर क्या कंपनी यूज़ करता है यार, छोड़ो मेरे गाड़ी में तो MRF का था, लेकिन यहाँ पर आपको हीरो ग्रिप कंपनी का 90x90 12 इंचेस का टायर, मतलब इसका टायर साइज तो 12 इंचेस का है, लेकिन ये जो इसका विथ एंड लेंथ है वो 90x90 का मिलता है। और यहाँ पर अगर इसको इसका एलॉय देखोगे ना, बहुत ही अच्छा फिनिश वाला मिलता है, मशीन का डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा दिखता है यहाँ पर, जैसे कि ये देख लो, ये यहाँ पर ये जो फिनिश दिया गया है ना, बहुत ही अच्छा लगता है इसका लुक्स। और इस साइड में आपको मिल जाता है बाइवर का डिस्क ब्रेक, यहाँ पर आपको तो कोई ABS वगैरह नहीं मिलता क्योंकि 110 सीसी का गाड़ी है। और यहाँ पर अगर आपको भी एक चीज़ दिख रहा होगा, जो कि है ये वाला,
इस साइड में और इस साइड में भी मिल रहा है। क्या यार, यहाँ पर तो इंडिकेटर दे दी कंपनी ने, ये क्या है? एक्चुअली मैं अगर बताऊँ ना, यहाँ पर आपको कर्नरिंग फॉग लैम्प मिलता है। फॉग लैम्प वो भी स्कूटर में? हाँ यार, स्कूटर में भी फॉग लैम्प मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हीरो ने प्रोवाइड किया है, इसके सेंटर में इसका हेडलाइट प्रोवाइड किया है। तो फिर अगर आप कहीं पर अगर राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में टर्न लेते हो ना, वहाँ पर अगर अंधेरा होगा तो फिर आपको तो वो एरिया नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब सर्टन डिग्री वगैरह में ये जब आप गाड़ी को बेंड करते हो तो फिर ये इसका कर्नरिंग फॉग लैम्प ऑन हो जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा ब्राइटनेस मिलता है, जिससे कि आप गाड़ी आराम से चला सकते हो। और अभी अगर इसके रेट्स राइट साइड में बताओ तो फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई ये इस तरह फिनिश, जो कि यहाँ से कंटिन्यू के यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर इसका FI का बैजिंग, और ये इस तरह से मिल जाता है आपको इसका रियर फुटरेस्ट। क्या यार, इसका लुक बहुत ही अच्छा है, शायद मेरे मास्टर में भी ये लग जाता। और यहाँ पर ये जूम का बैजिंग, उसके नीचे ये एक्सटेक का स्टिकरिंग। और यहाँ पर अगर साइलेंसर के बारे में बताओ ना, ये देख सकते यार, ये तो प्लास्टिक वाला पार्ट है, ये भी ये मेटल वाला पार्ट है, ये भी मेटल वाला पार्ट है। लेकिन अगर इसका डिज़ाइन देखो ना यार, क्या हीरो क्या कर रहे हो यार, ये देख लो, ये इतना ही थोड़ा सा यहाँ पर बेंड हो गई, ये तो प्लास्टिक यहाँ से ही आया है, लेकिन इसका लुक्स ना बहुत ही अच्छा लगता है। सो अभी अगर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, ये देख लो, ये भाई इसका आइडियल पोजिशन में इसका स्मूथ साउंड मिल जाता है। और ये इसको अगर रैप करूँ, साउंड तो इसका बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अभी अगर बैक की तरफ आए तो फिर ये इस तरह से आपको बैक का लुक मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इस तरह से भाई मेटल का ग्रैब रेल मिल जाता है, और उसके नीचे यहाँ पर H, फिर से भाई H, हीरो को खुद से कितना ज़्यादा प्यार है यार। और यहाँ पर ये देख सकते हो, इसके ऊपर भी इसका बल्ब मिल जाता है, LED वाला बल्ब, जो कि आप ब्रेक प्रेस करने के बाद ये जलता है। और उसके नीचे यहाँ पर देखो, ये इसका रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर ये भाई फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाता है, अगर कहीं पर बज गई तो फिर ये बच जाएगा। और ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर बाहर की तरफ आया है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है नंबर प्लेट लाइट, और ये इस तरह से नंबर प्लेट का स्टैंड। और अगर अभी लेफ्ट साइड में बारे में बताओ ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर से भाई जूम का बैजिंग, उसके नीचे एक्सटेक का स्टिकरिंग, और ये इस तरह से यहाँ पर भी कुछ फेक वेंट्स वगैरह दिया गया है, जो कि इसका लुक्स एनहांस करता है। और यहाँ पर अगर देखो भाई, ये रियर में भी आपको वही यूरो ग्रिप का 90x90 12 इंचेस का टायर मिल जाता है, यहाँ पर आपको 100x90 12 इंचेस का टायर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर फ्रंट वाले टायर के मुकाबले यहाँ पर इसका वेट थोड़ा सा चौड़ा है, और इसका लेंथ उतना ही है, और टायर साइज भी बिल्कुल 12 इंचेस का मिलता है। और ये इस तरह से इसका टायर हगर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा भाई आपको लग रहा होगा ये क्या इस तरह से दिया गया, यहाँ पर ये जानबूझ कर दिया है, क्योंकि अगर ये टायर कभी पंचर हो गया तो फिर इसको निकालने में दिक्कत होगी ना, तो फिर यहाँ पर इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कट करके दिया गया है कंपनी की तरफ से। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका बॉडी का पार्ट्स वगैरह, मतलब इंजन वगैरह का जो पार्ट्स है ना, क्लियरली विजिबल हो रहा है। अगर अभी बताओ इसके इंजन के बारे में ना, यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई 110cc का एयर कूल्ड BS6 फेज 2 वाला इंजन, जो कि OBD स्कैनर के साथ आता है। और ये 110cc इंजन आपको भाई प्रोवाइड करता है 8.17 PS का पावर, मैक्सिमम पावर, एंड 8.70 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। अगर पावर एंड टॉर्क फिगर के बारे में बताओ ना, अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी का बॉडी आपको मेटल में नहीं मिलता, फाइबर मिलता है, तो फिर इसका वेट तो रिड्यूस हो जाता है ना। और इसका साइज़ भी देख लो ना, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है इसका साइज़, इसीलिए ही मैंने इसको, मतलब मैंने जब गाड़ी खरीदा था माइस्ट्रो, तो फिर ये भी उसी वक्त लॉन्च हो गई थी, लेकिन बस इसके साइज़ के वजह से भाई मैंने इसको मतलब छोड़ दिया था। लेकिन इस भाई इसका लुक्स बहुत ही ज़्यादा बेटर है, माइस्ट्रो के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक्स इस गाड़ी का आपको मिलता है। और रियर की तरफ अगर देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, और ये इसका ये जो एयर फिल्टर वगैरह यहाँ पर कवर होके दिया गया है। और यहाँ पर ये इसका फुटरेस्ट मिल जाता है, इसका साइज़ भी मतलब थोड़ा थोड़ा चलेगा। आज जो इंडियंस, हमें ये लगता है कि अगर इस गाड़ी के फुटबोर्ड में अगर एक सिलेंडर अच्छे से आ गई ना, तो फिर इसका साइज़ एनफ है। इसके फुटबोर्ड के ऊपर ही यहाँ पर आपको कुछ मिल जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर आप बोतल वगैरह या फिर फ़ोन वगैरह भी गाड़ी चलाते वक्त यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर एक मिल जाता है टाइप ए का सॉकेट, जिससे कि आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और ये देख सकते हो, ये इस तरह से इसका कॉकपिट, यहाँ पर भी आपको E20 का स्टिकरिंग मिल जाता है। और ये देख सकते हो, ये इस तरह से इसका कॉकपिट, ये देख सकते हो, ये इसका चाबी का सेक्शन, जो कि इस तरह से ऑन होता है। और अभी अगर इसके कॉकपिट के बारे में बताओ ना, ये इस तरह से आपको कॉकपिट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कॉकपिट मिलता है यहाँ पर। ये इस तरह से माइस्ट्रो वाला ही आपको
मिरर मिल जाता है यहाँ पर देखो तो, फिर यहाँ पर आपको एकदम छोटा सा लेकिन डिजिटल मीटर मिलता है जो कि नेगेटिव डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का बैकलाइट और ब्लैक कलर का फ्रंट का कलर मिलता है। ये देख सकते हो ये इस तरह का आपको स्विच वगैरह मिलता है। यहाँ पर आपको i3s का स्विच, उसके नीचे ही आपको ये स्टार्ट वाला स्विच, और यहाँ पर ये इसका हेड एंड अप, उसके बाद ये पास वाला स्विच, और ये इसका इंडिकेटर। और अगर उसके नीचे ही देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका हॉर्न का स्विच, और इसका हॉर्न का साउंड भी सुन लो, डिसेंट साउंड मिल जाता है इसका। और अभी अगर बताओ इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, यहाँ पर ये देख सकते हो। और जब मैं इसको ऑन करूँगा ना, ये इस तरह से थोड़ा सा एनिमेशन होके यहाँ पर आपको हेलो माई हीरो ये वगैरह बोल के आपको वेलकम करेगा। और यहाँ पर आपको एक्सटेक का भी फीचर मिल जाता है, मतलब इस गाड़ी के साथ आप आपका फ़ोन वगैरह कनेक्ट करके, अगर आपके फ़ोन में कोई, अगर गाड़ी जब आप चला रहे हो तो फिर आपके फ़ोन में अगर कोई मैसेज वगैरह आता है या फिर कॉल वगैरह आता है तो फिर यहाँ पर आपको वो सब शो कर देगा। ओके, इतना ही कुछ था इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अगर आपको डिटेल में जाना है तो फिर आप किसी भी क्रिएटर का वीडियो देख सकते हो। फिर बताओ इसके बूट के बारे में ना, पहले तो ये देख लो, यहाँ पर बस आपको इसका हैंडल लॉक वगैरह मिल जाता है बस, और इग्निशन ऑन होता है, यहाँ से आपको बूट ओपन नहीं होता। उसके लिए यहाँ पर दूसरा की स्लॉट दिया गया है जो कि मुझे लगता है भाई यहाँ से तो हो सकता है, लेकिन पता नहीं हीरो ने यहाँ पर क्यों ही इसको यूज़ किया है। और ये इस तरह से अगर राइट टर्न करोगे तो फिर इसका बूट ओपन हो जाएगा। और अभी अगर बताओ इसके बूट स्पेस के बारे में, यहाँ पर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपका एक मीडियम साइज़ का फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर ये इसका LED बूट लैंप मिल जाता है जो कि मेरे माइस्ट्रो में भी था। और यहाँ पर अगर देखो ना, यहाँ पर इसको इसका अंडर सीट स्टोरेज के अंदर ही इसका फ्यूल फिलर कैप मिलता है, क्योंकि अगर हीरो यहाँ पर एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप देता ना, इसका बैक से लुक एकदम घटिया हो जाता है, इसलिए ही हीरो ने ये सोचकर यहाँ पर इसके सीट के अंदर ही इसका फ्यूल फिलर कैप दिया गया है। सो बस इस गाड़ी के बारे में इतना ही कुछ था। सो अगर कंक्लूजन के बारे में बताओ ना, गाड़ी इसके सेगमेंट से बहुत ही अच्छा खासा फीचर वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन जो कि जिस चीज़ के लिए गाड़ी मात करती है ना, वो है इसका साइज़। ये देख सकते हो यार, यहाँ पर आपको मतलब इसका सीट का साइज़ देख लो या फिर इसका फुटबोर्ड का साइज़। कंपनी ने यहाँ पर ट्राई किया कि कम स्पेस में अच्छे से आपको गाड़ी प्रोवाइड करे, लेकिन यही चीज़ इसके सेल्स को थोड़ा सा डाउन करने में हेल्प करती। सो ओवरऑल गाड़ी तो एकदम भाई इसके सेगमेंट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आपको ऑल LED हेड लैम्प, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ 110cc में आपको मिलते थे और किसी गाड़ी में नहीं मिलता। लेकिन बस इसका साइज ही थोड़ा सा आपको कम लगेगा, इसी वजह से ही मैंने भी इस गाड़ी को कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अगर इसका एक शोरूम प्राइस के बारे में, इस ZX मॉडल का प्राइस भी बताओ ना, सेगमेंट से तो बहुत ज़्यादा कम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका प्राइस देखो ना, इसका टॉप मॉडल ZX का प्राइस ही आपको मिल जाता है भाई 1 लाख के अंदर ही आ जाता है, मतलब 1 लाख रुपीज़ के अंदर ही आपको ये गाड़ी मिल जाती है। भाई क्या बुरा अपॉर्चुनिटी है यार, आराम से ये गाड़ी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप सिंगल स्टूडेंट हो। मतलब अगर आपके फैमिली में ना अदर कोई गाड़ी वगैरह है तो फिर आप बस अपने पर्सनल यूज़ के ये गाड़ी लेना चाहते तो फिर ले लो, क्योंकि जैसे कि मैंने मेरी माइस्ट्रो फेब्रुअरी में ली थी, तब तक तो ये गाड़ी लॉन्च हो गई थी, लेकिन मैंने ये गाड़ी क्यों कंसिडर नहीं की भाई, उसका सिंपल सा रीज़न है कि इसका स्पेस, मतलब इस गाड़ी का आप लुक तो बहुत ही अच्छा सब राजी थे, लेकिन इसके स्पेस के वजह से ना सब लोग नाराज़ हो गए। मतलब यहाँ पर इसका फुटबोर्ड का स्पेस, यहाँ पर इसका बूट का स्पेस, और इस गाड़ी का ही स्पेस, और इस गाड़ी का मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमारे घर में मतलब दीदी माना, मतलब मेरी जो बड़ी बहन है उसने मना की और पापा वगैरह भी मना के, इसलिए इसको कैंसिल करके फिर मैंने मेरी माइस्ट्रो S125 ले ली। और अगर आपको बताओ ना, आप आराम से इस गाड़ी को ले सकते हो, मतलब 1 लाख रुपीज़ के अंदर बेस्ट 110 स्कूटर अगर बताओ ना भाई, आग बंद करके हीरो जूम एक्सट्रेक ZX मॉडल भी आप ले सकते हो। तो वीडियो के अंत तक देखने आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।